दोस्तों इस वीडियो में सहरसा जंक्शन का एक अपडेट आया है वो बताएंगे, साथ ही जमालपुर भागलपुर रिलेटेड भी न्यूज़ आई है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या अपडेट है। दोस्तों पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे सहरसा जंक्शन से 3 ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन उसको जो है मंजूरी नहीं मिला। अब जो है सहरसा में जो है सहरसा से 2 ट्रेन चलेगी, एक सहरसा से भागलपुर जाएगी, वो इंटरसिटी के रूप में उसको चलाया जाएगा, साथ ही एक सहरसा से जो है गया के लिए पैसेंजर ट्रेन जो अभी चलती है, मतलब लॉकडाउन में तो अभी वो ट्रेन बंद है, लेकिन इससे पहले जो चलती थी स्पेशल बन करके जो सुबह में जाती थी यहाँ से जमालपुर, जमालपुर के बाद वो गया जाती थी, तो उस पैसेंजर को जो है अब फाइनली अब सहरसा से गया के बीच चलाया जाएगा जब लॉकडाउन पूरी तरीके ख़त्म हो जाएगा और सारा ट्रेन जो है सामान्य रूप से जब चलने लगेगी, तब वो ट्रेन का परिचालन सहरसा से गया के बीच होगा। जमालपुर जंक्शन का अपडेट यह है कि जमालपुर से जो सुपर एक्सप्रेस चलती है अब वो ट्रेन वहीं से चलेगी, उसको जो है अब एक्सटेंड सहरसा तक नहीं किया जाएगा। ये जमालपुर के लिए एक अच्छी खबर है। सहरसा से जो भागलपुर ट्रेन जाएगी तो उसका भाया जो है सहरसा से मानसी, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर जाएगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर।